हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एंड आई होप आप सब लोग काफ़ी मज़े में होंगे। तो गाइस, जैसे कि हमारी संस्कृति काफ़ी पुरानी है और हम काफ़ी सारे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें से ही एक छोटी सी सही बट एक फेस्टिवल आज भी है, तुलसी विवाह। तो उससे रिलेटेड ही कुछ सामान लेने के लिए जाना है, तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ सामान लेकर के आते हैं, लाइक जैसे अपना फूल माला वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर ऑफिस में भी रेडी होना है। तो मिलते हैं हम आपसे कुछ देर बाद। तो गाइस, ये है प्रसाद। गाइस, वैसे प्रसाद तो हम बाहर से भी ला सकते थे, मीठा वगैरह, बट इसमें क्या होता है कि देसी घी में घर में ही प्रसाद बनाया जाता है। आटे का हलवा और पूरी देसी घी में, यही मेन प्रसाद होता है जो भोग लगाया जाता है। गाइस, बेसिकली मुहूर्त वैसे शाम का था, लेकिन 6 बजे तक ही था, तो शाम को मैं नहीं होता था। तो हमने पंडित जी से बात की, तो बोला कि सुबह भी हम पूजा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा ऑफिस से जाने के पहले हम पूजा करके ही जाते हैं फिर, क्योंकि शाम को मैं नहीं होता था, क्योंकि मैं आता हूँ 8:30 या 9:10 बजे तक, कुछ फिक्स नहीं होता इसलिए। तो अभी पूजा हो गया, अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं आपसे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस समय हम एक सैंडविच सेंटर पे हैं। इन भैया के पास तो वैसे बहुत सी वैरायटी हैं, बट अभी फ़िलहाल हम लोगों ने पनीर सैंडविच ऑर्डर किया है, जो कि इनकी सबसे स्पेशल सैंडविचों में से एक है। वैसे तो मेरे हस्बैंड को नॉनवेज पसंद है, वेज में वो बहुत कम ही चीज़ खाना पसंद करते हैं, पर क्योंकि आज हम नॉनवेज नहीं खा सकते, इसलिए उन्हें भी मेरे साथ इसे ट्राई करना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि जो लोग इनके सैंडविच के बारे में बोलते हैं वो सच में ऐसा है या नहीं। आगे वीडियो में बने रहिए। वैसे तो मेरे हस्बैंड अभी जस्ट ऑफिस से आए, पर हमने ज़िद किया कि भाई आज हम खाना नहीं बनाएंगे, कुछ बाहर ही चलकर खाते हैं। तो वो हमें पास के सैंडविच सेंटर पर लेकर आए, तो हम यहाँ पर आए हैं और इनकी ये फेमस पनीर सैंडविच ट्राई करते हैं। देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रही है, टेस्ट भी शायद इनका उतना ही अच्छा हो। तो चलिए टेस्ट करते हैं, उसके बाद सीधे घर। फ्रेंड, सैंडविच में तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी चीज़ डाल रखी थी, ऊपर से भी इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ की लेयर बनाई है, साथ में केचप, धनिया से और वो पतली वाली सेव होती है ना, उसे डेकोरेट किया है। साथ में चिप्स भी वो आप देख सकते हैं इन्होंने साथ में टेस्ट के लिए दिया है। चलते हैं और साथ में मिलकर ट्राई करते हैं ये टेस्टी यम्मी सैंडविच, फिर बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है।
है फ्रेंड्स, तो नाउ प्ले टाइम इज़ ओवर। गाइस, लगता है ना कभी कभी हम खुद बच्चे हुआ करते थे, हाँ, और अभी हमें अपने बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। बट गाइस, मज़ा आता है काफ़ी। तो वैसे अभी हमें थोड़े टाइम जो है अपने बच्चों के भी निकालना चाहिए, हाँ, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत हम क्या। तो गाइस, अब हो गया काफ़ी लेट, अब थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, ठीक है, डिनर करने के बाद फिर मिलते हैं। हे गाइस, तो नाउ द डे हैज़ बीन ओवर, हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।